हेलो हेलो। जल्दी जोड़ो क्या को बढ़ाया मैंने कि आइए आइए। हाय आरबी वरामा जी। हाय परम सेन प्रम परम सेन। हाय अमरेश कुमार हर हर महादेव। प्रणाम सब गोटा के। हम छी रूपम हृदय और लाइव छी अखन अपन पेज रूपम हृदय से। और हम छी रवि हृदय और लाइव छी अखन रूपम हृदय के पेज रूपम हृदय से। बबलू ओझा जी, टुनटुन कुमार जी, प्रणाम सभी को। मैं रूपम हृदय और लाइव हूँ अभी अभी मैं पेज रविंदर जी बहुत ये सही, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। महेंद्र पाल जी लगे रहिए। रविंदर जी, आर बी वर्मा, धनुष शर्मा नमस्कार, दीपक वर्मा जी। अच्छा जी, दीपक वर्मा जी जरूर। इस पे विचार किया जाएगा। सारा दिन महल, सारा सा राजस्थान सारा दिन पुलिस महल जी। राजस्थानी, अच्छा सारा दिन महल जी देखकर तो आप बहुत। पुलिस वाले हैं शायद। अच्छा सिंगर नरेंद्र ठाकुर जी प्रणाम आके। कुमार केहन छी अहाँ सेहो लिखू। सुभाष यादव जी, और ओते से अहाँ नाल बजा दियो आई किया कि कोनो म्यूजिक के बिना म्यूजिक के एलो हैं। धनुष शर्मा जी, आज सोच रहे हैं कि कुछ जो प्रतिदिन हम लाइव में करते हैं उससे कुछ अलग करें, क्योंकि बार बार वही म्यूजिक। फिर सोच रहे थोड़ा धीरज मोहन सा। सिंगर जी जुड़ चुके हैं हम हमारे बीच। धीरज मोहन सिंगर जी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज मोहन सिंगर जी शेयर जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। सुरेंद्र कुमार जी हाय, सारा दिन खान राजस्थान पुलिस में। आरबी वर्मा जी, ये सारा दिन संजीव, खान आपका नाम है क्या, एक बार बताइएगा जरूर। संजीव यादव जी, आरबी वरामा, आरबी वरामा जी, आप वरामा है या वर्मा है एक बार ये क्लियर कीजिएगा। दीपक कुमार हाय, सुरेंद्र कुमार हाय, लाल लाल जी हाय। बिहारी लाल जी, आज एकदम देखने का मौका मिल रहा है कि गारी गीत गाओ, नहीं तो शायद मैं ऑनलाइन आ जाता भाई। गाना गाना विश करना। सिंगर नरेंद्र ठाकुर जी, हम लोग बहुत आगे जाएंगे तो म्यूजिक की जरूरत तो आपकी ही पड़ेगी। आप भी हमारे साथ अच्छा चलना। फिर संगीता आरबी मिश्रा वर्मा जी, जी, संगीता मिश्रा जी, आई बिल्कुल बात करो के मूड में छी। और गीतों सब हेतै बीच में। आर के कुमार जी, देखो आई ढंग से कमेंट देखा के हमरा मौका मिल रहा है। बिल्कुल गाना अखन नहीं गाबि रहा छी तो कमेंट देख रहा छी। धीरज सिंह जी, लाल बिहारी लाल जी, आज सोच रहे हैं। बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि किसी दिन ऐसा करेंगे कि अंताक्षरी खेलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे गाने कवर हो जाएंगे और हर तरह के गाने हो जाएंगे। आरबी वर्मा जी, क्या कहते हैं आप लोग? हमारे तरफ का राम 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 जी। राम। मनीष कुमार सुमन जी, अच्छा सुना दीजिए मैम जी। डिब्रूगढ़ असम, धीरज मलिक, वाह क्या बात है। धीरज मल्लिक जी, स्वागत है आपका। आर के कुमार जी, सुपरस्टार रवि, आज मैं कमेंट हमेशा मैं नाम लेती हूँ, आज मैं कमेंट भी पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। अमरनाथ यादव जी, काका नागा ना गाओ। बहुत सारी बात तुम समझ नहीं पा रहे अभी कोई कोई कमेंट में। सौरभ झा जी, हर हर महादेव। रविदास जी, संत राम यादव जी, राधे। कार्तिक सिंह जी, बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं। और कुछ सुना दीजिए प्लीज, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है।
सुना देती हूँ मैं। एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। मृत्युंजय देव शुक्ल जी, हम वेट कर रहे थे 2 मिनट से। चलिए, बहुत सारा दिन महर जी, मेरा नाम रवि हृदय है और मैं इनका भाई हूँ, छोटा भाई। कार्तिक सिंह जी, थैंक्स, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। शिव सिंह राठौर जी, एक बात बताइए, आज मैं बात करती हूँ पहले आप लोगों से, एक बात बताइए, आप लोग YouTube पे सब्सक्राइब कब करेंगे? इतने सारे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर मिलिए। रविंद्र आयुष जी, सोनू कुमार झा जी, राधे राधे। सोनू कुमार झा जी, अभी नए नए लोग जुड़ रहे हैं, सबका नाम ले लूं एक बार फिर। भवेश कुमार झा जी, हर हर महादेव। आज सोचे कि बिना म्यूजिक के ही लाइव आते हैं। दिनेश मस्ताना जी, नवीन कुमार जी, सौरभ तिवारी जी, शिवम सिंह जी, पंकज कुमार चौधरी जी। चलिए शुरू करते हैं। अंताक्षरी, आप सभी लोगों ने खेली होगी। अरविंद चंद्र दास जी के स्वागत करे छी। मनीष कुमार, सुमन जी, अंताक्षरी में देखिए, मैं तो कुछ फिक्स नहीं करूंगी, मेरे मन में जो जिस शब्द से जो गाना आएगा वो मैं गा दूंगी। अरविंद चंद्र दास जी, जी बहुत धन्यवाद। रविंद्र आयुष जी, हमारे तरफ का पुलिस का राम राम जी, आप लोगों को भी प्रणाम, सारी पुलिस फोर्स को प्रणाम। मुकेश यादव जी, तो कैसे आप लोग अंताक्षरी शुरू करते थे एक बार बताइएगा इसमें। अंबिका जी, स्वागत है यहाँ के। रविदास मेघवर जी, मैं तो जब अंताक्षरी खेला करती थी बचपन में तो थोड़ा बहुत चीटिंग भी हो जाया करता था, क्या पता आज भी हो जाए। रंजीत कुमार जी, अंताक्षरी शुरू करने के लिए आप कौन सी पोयम, कौन सी कविता पढ़ते थे वो एक बार बताइएगा। राजीव कुमार चौधरी जी, बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं हमें लाइव। मैं जम्मू कश्मीर से लाइव देख रहा हूँ। सोनू कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका यूट्यूब चैनल का नेम है सेम, यही नाम है जिस नाम से ये पेज है, रूपम हृदय, ROOPAMHRIDAY, रूपम हृदय। सारा दिन महर जी, बधाई हो, बधाई हो जी, बिल्कुल। आज अंताक्षरी खेलते हैं धीरज जी, उसमें अगर कृष्ण भजन आया तो कृष्ण भजन भी गाएंगे, जो भी गीत आया उसमें गाएंगे बस। हाफिज जी, कुछ फिक्स नहीं है आज का लाइव। आरके कुमार जी, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। पारस जी, स्वागत आके। विनोद कुमार जी, मुझे नहीं गाना था क्योंकि मैं ढोलक लेके बैठा हूँ, तो मैंने 2 बार इन्हीं पे कर दिया राम राम राम। सारा दिन सारा जी बिल्कुल, हम भी इसी से शुरू करते थे अंताक्षरी। चलिए, तो म से आया है मेरे ऊपर, मैं म से गा देती हूँ, और मैं तो मैथिली गाती हूँ, मैं मैथिली गाऊंगी साफ से। किसे म से? मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली, धरनी आतिफ असलम का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सिंगर है आतिफ असलम जी, उनका एक गाना है जो मुझे पसंद है, मैं वो सुना देता हूँ। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं,
अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अरमानों की अंजुमन में बेसुध है अपनी लगन में, अपना कोई रंजीत कुमार जी, राहुल गौर जी, अंबिका जी, देखे छी के जीते छथिन, रवि जीते छथिन के हम। मैंने जो अभी गाना गाया है वो आप में से किस किस ने सुन रखा है वो बताइएगा जरूर। अपना कोई ठिकाना नहीं, हाँ से इनको मैंने हाँ से दिया, इन्होंने भी मेरे को हाँ से ही दे दिया। हम नहीं शिव संग गौरी बिया, हम नहीं शिव इसे अगर मैथिली कोशिश करूं, इसे मैथिली में कोई गाना है क्या एक बार बताइएगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा था मैथिली गाने की, लेकिन हिंदी गाना जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हिंदी गाता हूं ज्यादा, तो मुझे हिंदी गाना पता है इसे, हाँ इसे पता है। हंसना नहीं है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, एक प्यार का इलू इलू बोल दिया किसी ने। आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए, गाते डिस्टर्ब होता है, हंसी आ जाती है। एक प्यार का नगमा है। हाँ राहुल दुबे जी, अगर अब की इसे आए तो ये जरूर याद दिलाना, अच्छा है गाना। इश्क और प्यार का मजा लीजिए। आपका फिर से हाँ पे खत्म हुआ है, फिर से हौसे बारी है रूपम जी की, रूपम हृदय जी की हौसे बारी आई है। ये मेरे को तीन बार से हौसे ही दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सुंदर। सरोज महेश ठाकुर जी प्रणाम आगे। तो आपका हौसे आया है, और आप लोग कैसे जानते होंगे इसमें ये भी रूल होता है, जब बहुत देर तक गाना ना गाए तो फिर क्या चलता है, टिक टिक हरो कष्ट जननी की तेजी दिलो, हरो कष्ट जननी की तेजी दिलो, निर्बल जान को मैया मोरी लो, हरो कष्ट जननी की तेजी दिलो, हरो ये तेजी दिलो।
तो तारीफ नहीं कर रवि जी के तारीफ कर चाहे हमू गवत रहे छे। अच्छा ये जो अभी रूपम ने गाना गाया वो गाना आप लोगों में से किस किस किन किन ने सुन रखा है वो बताइएगा, और वो गाना ओरिजिनली किसने गा रखा है वो भी बताइएगा। और ये जो गाना है हरु कष्ट जननी, आप लोग के पास विंक म्यूजिक होगा जिससे आप लोग कॉलर ट्यून लगाते होंगे एयरटेल का, जिसका या कोई भी फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा। विंक म्यूजिक पे भी आने लग गया है ये गाना जी। सूरज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। किससे खत्म हुआ आपका गाना? दिल लौ से। ऐसा टिक टिक तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन वन कितने तक टिक टिक करना है? 10 तक। 2 3 मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ मैथिली में सुनाऊं लेकिन मैथिली में मेरे को याद आ नहीं रहा है तो हिंदी ही सुनाऊंगा, फिर हिंदी तो रटा बोलने पे टाइम खराब कर रहे। लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा हो गया। लिखे जो खत तुझे झ से खत्म हुआ है तो यहीं पे झ से क्या खत्म होता है? झ से तो कोई गाना नहीं होता है। झ से तो झ से कोई कोनो मैथिली गीत याद आवे तो कहियो, नहीं है तो हम हिंदी गए फिर। अच्छा मैंने ये कैलकुलेट किया है। अच्छा कैलकुलेट क्या किया है छोड़िए, मैं लाइव लंबा नहीं होगा, इसी से करते स्टार्ट। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल ने के तू आए, कहीं चढ़ गई कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माए। कहीं खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरे याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। देखा मैंने यही सोचा था कि इसका पैराग्राफ होना चाहिए था क्योंकि इसका पैराग्राफ मुझे आता था, जो नहीं आता है उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिसका आता है वो तो सुना दे। अंताक्षरी जब भी मैं अंताक्षरी खेलने बैठती हूँ तो मैं सारा ब्लैंक हो जाता है, कुछ गाना दिमाग में नहीं आता रहता है। अब इन्होंने अब मैं मैथिली गा रही थी, बताइए मैथिली में तो मेरे को कोई झ से आता नहीं, इन्होंने झ से दे दिया, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी फिर, तो मैं तो हारूंगी नहीं, सब भाषा का क्या है, मैं तो हिंदी गा दूंगी। दिनेश मस्ताना जी ये तो अभी चल ही नहीं रहा है, इससे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस पे आएगा तब देखेंगे। झुके झुके से नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा शहर दिल में प्यार है कि नहीं। झुके झुके से नजर, देखिए नियम तो कोई रहा नहीं, मैंने तो हिंदी गा दिया, मैथिली गा रही थी मैं, हिंदी गा दिया मैंने, तो आप भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीटिंग कर रही हूँ तो आप भी करो। वैसे हम लोग सोच के आए थे कि मैथिली ये गाएगी और हिंदी मैं गाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं मैथिली गाने की गाऊं अगर मेरे को आए तो, और इनकी कोशिश है कि ये हिंदी भी गा लें तो। राजू जी देर से बताया
पहले मैंने देखा नहीं कि ये तो आप एक गाने दे वाला गाना तो किससे आया है किससे आया है मुझमें झुकी झुकी सी नजर नजर रा से हाँ आता है मेरे को मैथिली गाना आता है सिंगर अरविंद भाई जी का ये गाना है उनसे मैंने सुना था एक ये गाना रो राधा काटो अहुरिया रो राधा काटो अहुरिया करिया जाका कता नुके राधा काटो अहुरिया रुकरिया जाका कता नुके राधा काटो अहुरिया मथुरा ताको वृंदावन ताको मथुरा ताको वृंदावन ताको कदम कडरिया ना रो करिया हंसने का नहीं हो रहा कदम कडरिया ना करिया जाका कथा नुके राधा काटो अहुरिया ना से हुआ है खत्म और आप लोग छोड़िए क्या यहाँ पे बैठी हुई है मेरी बड़ी दीदी और वो हंसा रही है थोड़ा सा तो हम लोग हंस रहे हैं तो माफ कीजिएगा इधर बड़ी दीदी आ गई है हमारी तो। अरुण कुमार कर्ण जी राहुल दुबे जी देखिए अंताक्षरी खेलते हुए कुछ पता ही नहीं चलता है जो गाना रहे बस वही ले रहे हम नौ सौ मैथिली गीत गाए देखिए एक बार ये गाना रूपम जी आप बिना ढोलक के गाइएगा मैं पानी लेके आता हूँ थोड़ा गला सूख रहा है तो 900 एक तक गीत हम गोबी चलिए बहुत पहले पूनम जी के गीत छे ही नहीं निकला गएंगे दैया नहीं निकला गएंगे दैया नहीं निकला गएंगे दैया नहीं निकला गएंगे दैया बिन पिया के ससुररिया नहीं निकला गएंगे दैया बिन पिया के ससुररिया नहीं निकला गएंगे दैया झुमका कंगना किचने भावे सारी जोड़ा झुमका कंगना किचने भावे निभावे सारी जोड़ा असगर सेज भयावन लागे असगर सेज भयावन लागे लागे भर नहीं नोरा बिन पिया के बिन पिया के बिन पिया के ससुर दिया नहीं निकला गएंगे दैया बिन पिया के ससुर दिया नहीं निकला गएंगे दैया ये तो गायब हो गए दैया यो से मेरी हेल्प आप में से ही किसी ने की थी यो से मुझे याद है यो से आप में से किसी ने कमेंट पहले ही कर दिया था और अभी बारी आई है तो मैं सुना देता हूँ ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी ये रेशमी जुल्फें
सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। राहुल दुबे जी कमेंट नहीं लिया है बहुत देर से, सभी भ पे याद रखना। हाँ भ से आया आप। राहुल दुबे जी, अमरेश कुमार जी, संजय कुमार झा जी, ये भी तो लिखिए कि कौन आपको जीतता हुआ सा नजर आ रहा है। बलू वरुतकर जी, अंबिका जी, चलो अंबिका जी हमरो तारीफ कलखिन, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद चौधरी जी, जब मेरे को मैथिली गाना नहीं आएगा गाने तब मैं हिंदी गा लूंगी, अभी मेरे को मैथिली आ रहा है क्योंकि मेरा अपना जो गीत है तो वो तो मुझे आता है। राजेश सिंह जी, पारस कुमार झा जी, भावी मेट सक थे त्रिपुरारी दो सही ही लिखा है। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आ रहा था, काफी कमेंट आते हैं पूरे दिन में और काफी मैसेज आते हैं पेज में, तो और एक बार नहीं कई बार लिखा उन्होंने, तो मैंने सोचा कि मैं भी पेज इनका हैंडल करता हूँ और ये भी हैंडल करते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद गलती में उनके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, एक बार होती है। लेकिन वो बार बार क्या लिख रहे थे, POOPM पूपम हृदय, लोग पूनम हृदय कह देते हैं या फिर कुछ अलग कह देते हैं, लेकिन पूपम हृदय मैंने पहली बार सुना है और वो बार बार पूपम हृदय ही कह रहे थे, तो फिर हमने उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा और हमने उस कमेंट को जाने दिया। रूपम जी जीत जीते जी, बिल्कुल रूपम जी जीतेंगी, उनका पेज है तो वही जीतेंगी, हम तो किराएदार हैं। आप में से कोई कह रहा था कि मैं रूपम दिल के साथ हूँ, हृदय को उन्होंने रूपम दिल बोल दिया, तो जब जिनके पेज पे ऐसे ऐसे कमेंट चलते हो तो जीतना तो उन्हीं का बनता है। मैं क्यों जीतूंगा। किससे खत्म हुआ है आपका गाना, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में कर देखिए तो रूपम हृदय को आप क्या ही लिखेंगे, ब्यूटीफुल हार्ट लिखेंगे, तो वो भी अच्छा जल हो, जल हो। इंग्लिश में भी नाम अच्छा है और हिंदी में मेरे को अपना नाम इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल, इसलिए मैं नमामि भी गाती हूँ, उसमें रूपम रूपम आता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मैं जय हो बीच में कह रहा हूँ ये मैं नया सीखा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं पहले जय हो नहीं बोलता था। क्या हुआ कि मुझे 2-3 कीर्तन में बैठने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला, कीर्तन की अलग ही बात होती है। एक तो अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पे हुआ कीर्तन, आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा होगा, तो उस कीर्तन में मैं बैठा तो हम कुछ ना कुछ सीख के आ जाते हैं। हाँ, तो हम लोग सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई गाना स्टार्ट करता है या कोई एक लाइन गाता है तो बाकी लोगों के पास भी माइक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं बीच में बोल देते हैं जय हो या फिर कुछ अलग अलग आवाज निकालते हैं, तो उससे क्या होता है माहौल बना रहता है एकदम, तो ये जय हो मैंने वहीं से सीखा है। किससे खत्म हुआ है आपका गाना बताइएगा रूपम जी, एक बार फिर से पूपम हृदय जी।
किससे का सकति त्रिपुरारी दोसर ना ना से ना से खत्म सजगमन ना ना से ना से मेरा सबसे पहला जो वायरल गाना हुआ था ट्रैक पे गाया था मैंने रूपम जी बहुत सुंदर गाव जी बिल्कुल मैं कोनो शक नहीं छे रूपम जी बहुत सुंदर गाव छे आ सुंदर आगे आई वाला लाइव रोल क्या था रूपम जी के बेर में हम ढोलक बजा रहे छे आ झुनझुनो बज रहे छे हमरा बेर में हम ढोलक बजाएंगे सब की चिंता आगे वीडियो न होने लगा माफी चाहब अगर कुछ एक्स्ट्रा बाजी से अच्छा लग रहा है और गाई न से मैं बता रहा था न से गाना आया है मेरा इनके पेज पे या मैंने अपने पेज पे डाला था पापा हमारे पिताजी का लिखा श्री हृदयनारायण मिश्रा जी का लिखा एक गीत था तो मैं आपको सुना देता हूँ शायद याद हो मुझे जितना नयन व्याकुल दर्श ले मां आहे के द्वार आयल छी आहे के द्वार आयल छी नयन व्याकुल दर्श ले मां आहे के द्वार आयल छी आहे के द्वार आयल छी करम गति भोग का मैया फसल मज धार आयल छे फसल मज धार आयल छे नयन व्याकुल दरस रहे मां मानर हम घोर पतित पावनी अही छी माँ कलक कली काल में कलिमल सुंदर अवतारनी छी माँ उबारु पुत्र के मैया फसल मझ धार आयल छी बनल लाचार आयल छी नयन व्याकुल दर्श ले मां आहे के द्वार आयल छी आहे के द्वार आयल छी मेरी बड़ी दीदी रानी हृदय यहाँ पे बैठ के ताली बजा रही है तो मैं तो जीत तो वहीं पे गया मुझे हार तो ये वहीं पे गए जब ये लिरिक्स भूले थे मेरा लिरिक्स भूलना बनता नहीं है क्योंकि ये गाना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पापा का ही लिखा हुआ है और मैंने कई बार गाया भी है फिर भी काफी समय हो जाते हैं तो लिरिक्स भूल जाते हैं तो इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे भी और लिरिक्स भूलने का इनका बचपन से है हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोग स्टेज पे गाते थे तो रवि जी ने शुरू किया गाना मतलब तो हम लोग का डोइट गाना था हम लोग का जैसे हम अभी गा रहे वैसे ही गाना था तो इनका भूलने का बताती हूँ मैं लिरिक्स जो भूलते हैं ये इन्होंने क्या किया कि एक गाना सुना होगा आपने कौन नगर सा लेर भरिया जेब कौन देश रे दुलकी दुलकी को ला जाए छे तू ककरा ले सनीस रे तो मैंने अपनी लाइन बोली इनकी बारी आई तो इन्होंने एक लाइन को ऐसे बोला कि ये बोलना था कि अपना बारीक साग खाई छी तो इन्होंने क्या बोला मंडन इनार के साग खाई छी फिर बीच में उसी को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि म्यूजिक बज रहा था ये बीच में कह रहे नहीं जैसे इन्होंने नहीं कहा तो फिर मैंने उस लाइन को ले लिया बचपन में गा रहे थे वही बड़ी बात थी अब इतना मतलब ज्यादा छोटा बहुत छोटा था इतना था मैं तो बहुत छोटा था इतने में इतने लोगों के बीच में स्टेज पे गा रहा हूँ वही बड़ी बात है तो 5-6 साल के थे ये और सुर में गा रहे थे कोई ये नहीं सुर में गा रहे थे मेरे साथ गा रहे थे लेकिन बीच में इन्होंने बोला मंडन इनार के साग नहीं तो नहीं से फिर मैंने ले लिया क्योंकि म्यूजिक तो चल रहा था रिदम चल रहा था तो उसको छोड़ नहीं सकते थे तो फिर मैंने क्या किया एक साल अगले साल मैं उस स्टेज पे मैंने नहीं गाया मुझे शर्म आ रही थी काफी कि ऐसी गलती हो गई कोई गलती थोड़ी है
तो फिर अगले एक साथ छोड़ के जब मैंने उसमें गाया तो मैं आपको फोटो शेयर करूंगा एक इसी पेज पे, उसमें मैं ऐसे रख रहा हूँ डायरी, स्टेज पे बैठा हूँ एकदम माइक पकड़ा हुआ है हाथ में और डायरी ऐसे रखा हुआ है ताकि एक भी लिरिक्स मेरा भूले नहीं, और मैं ऐसे करके गा रहा हूँ। फिर वो मैं फोटो आपको शेयर करूंगा इस पेज पे, अपने पेज पे कर रखा है मैंने। और दर्शकों को डायरी दिख रही थी इनके मुंह के बदले तो ऐसा था इनका, इसलिए इनको माफ कर देती हूँ लिरिक्स भूलने के इसमें। तो कहाँ पे छूटा था? अहीं के द्वार आयल छी छह से तो मुझे आता है। छोटे सो को मारे सिया नामी नामी के सिया के ये गाना इन्होंने जो मैं सोच रहा था रूपक ताल में ये गाना है वैसे, ये तो मैं सोच रहा था रूपक ताल बजाऊंगा, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने कैसा गा दिया, जैसा इन्होंने अनप्लग वर्जन गा रखा है यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, गिटार पे गा रखा है इन्होंने, तो इन्होंने वैसा वाला स्टार्ट कर दिया, तो मुझे हर गाने में एक ही पैटर्न बजाने को मिल रहा है ढोलक पे, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, माफ कीजिए। हाँ तो आपका किससे खत्म हुआ है? हसे हसे मैं गिनती शुरू करती हूँ। ऐसे नहीं है, गा रहा हूँ एक से, थोड़ा लेटे लेटे नहीं गाया जाता ना, लेट के मैं ढोलक बजा रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए भी। हरे रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है मेरी तेरी। हंसने का नहीं है, मुझे लिरिक्स से होता है। तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है, हाय राम ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम काबू में कैसे रहे? कैसे रहे? हाँ से, हाँ से। ऐसा लगता है लड़कों का काम नहीं है अंताक्षरी खेलना, लेकिन और क्या हम करते हैं जब कोई बहुत देर तक नहीं गाता है तो हम क्या करते हैं अंताक्षरी में? कंटिन्यू कीजिए। वाह वाह क्या बात है। जब हम एक चीज बता देते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक गाना अगर हम 10 मिनट में कर सकते हैं तो इसी चक्कर में हम 2-2 घंटे में करते हैं एक गाना रिकॉर्ड, और फिर इसी चक्कर में हमारा गाना 17-17 दिन मतलब काफी टाइम अभी हो रहा है आजकल, जल्दी जल्दी नहीं आ रहा गाना यूट्यूब पे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, उसकी वजह मैं हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो अभी रिकॉर्डिंग पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, तब तक आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे लगेंगे काफी। बीच में मैं एक कोई भी प्रोग्राम भी होता है अंताक्षरी वाला प्रोग्राम तो बीच में ऐड आता है, तो हम मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए रूपम हृदय चैनल पे, यूट्यूब चैनल रूपम हृदय, आप लोग यहाँ पे 1.25 लाख की संख्या में आ गए, मतलब हैं मेरे साथ जुड़े जुड़े हुए हैं,
और YouTube पे इसके आधे का आधा भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि वहाँ YouTube पे भी सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब का बटन होता है वहाँ पे, और सब्सक्राइब करते ही एक बेल आइकन होता है, तो वो भी आप लोग प्रेस कीजिएगा। तो काफी मेहनत लगती है, एक वीडियो के पीछे दो दो दिन तीन तीन दिन लग जाते हैं सब चीज मिला के। देखिए ये मैं तब नहीं कहती सब्सक्राइब करने के लिए जब आप मुझे यहाँ भी स्नेह नहीं दे रहे होते, यहाँ तो आप लोग बहुत ज्यादा ही अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जो कि मेरे लिए एकदम सौभाग्य की बात है बिल्कुल। और ऐसा ही आप लोग YouTube के लिए भी कीजिए। तो एडवर्टीजमेंट था 30 सेकंड का, अब मैं कहाँ पे थी। दीदी से निवेदन करूंगा कि आप रूम के बाहर चले जाइए, गाना नहीं जा रहा है। ये कैमरा में भी नहीं आ रहे हैं, उधर गाने में उधर मस्त हो जा रहे हैं, तो इधर बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रैना और तुम हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे हम तुम कितने। मेरे मेरे पिताजी ने सजेशन दिया है कि जो हंसा रहा है कैमरा उसकी तरफ कर देना। हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रहना और तुम। मैंने सोच लिया था ये गाना कहाँ पे खत्म होगा, तो मैंने गाना भी सोच लिया है इतनी देर में। मैं यही सोच रही थी कि कहाँ पे खत्म करने वाले हैं, तो मैया भेला हुके हैं कठोर जननी है भेला हुके हैं कठोर
टाइम तो बहुत हो गया है, बहुत ये पता ही नहीं चला कि टाइम इतना हो गया, तो अंताक्षरी तो खत्म ही नहीं होगी ऐसे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पिताजी श्री हृदय नारायण मिश्रा जी द्वारा लिखा हुआ है और ये काफी फेमस गीत है, आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल रूपम हृदय पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाइए, काफी पसंद आएगा, पूरा प्रॉपर म्यूजिक के साथ ये गीत वहां पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहां पे सुनिए जरूर, और नहीं होगा तो कुछ दिन बाद मैं पेज पे फिर शेयर कर दूंगा, तो काफी अच्छा लगेगा आपको। अच्छा एक बात बताइए, आज हम लोग बिल्कुल भी फॉर्मल लाइव में नहीं है, बिल्कुल जैसा हम फॉर्मल रहते हैं ऐसा ऐसे नहीं है, जैसा सीरियस रहते हैं हर लाइव में, उतना सीरियस आज नहीं है क्योंकि क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम तीनों भाई बहन एक साथ जब मिलते हैं तो थोड़ा ज्यादा हंसी मजाक होता है, और घर पर जैसे रहते हैं उस हिसाब से आंखों में इशारा हो जाता है और फिर हंसने का जुगाड़ा हो जाता है, मतलब हंसने की बात हो जाती है आंखों में, तो थोड़ा आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग भी फैमिली में ऐसे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो अच्छा ही लगा होगा मेरे, मुझे लगता है कि आप लोगों को कैसा लगा, परिवार की तरह लगा कि नहीं लगा, जैसा आप लोग अपने घर में रहते हैं मैं भी जैसा अपने घर में रहते हैं। ऑन कैमरा नेशनल टेलीविजन पर अपनी दीदी रानी हृदय से माफी मांगना चाहूंगा, मैं उनको कह रहा था कि रूम से बाहर चले जाए, तो बाद में मेरे को फील हुआ कि नहीं गलत बात है ये, ऐसे अपने से बड़ो दीदी या फिर भैया जो भी अपने हैं अपने, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप रूम से बाहर चले जाएं, ये थोड़ी गलत बात हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा रानी हृदय जी, दिल से सच्ची में बुरा लगता है। कठोर वन टू। अच्छा मेरी बारी है क्या, मैं भूल गया था सॉरी। किससे कट हो रहा, रॉ से, कोई बताइए इनको, रॉ से गाना इनको नहीं आ रहा है गाना, रॉ से कोई बता दीजिए जल्दी, रफी साहब का कोई गाना हो, कोई कोई भी आपको ध्यान में आ रहा है, रॉ से सच में मैथिली गाना एक आता था मैं रॉ से, मैंने गा दिया वो, रॉ से आप लोग बताइए अगर आपको कुछ पता हो कोई गाना। हार रहे हैं, जो जिताना चाहते हैं इनको रॉ से बता दो गाना, इनको ये हार रहे हैं, हार जाएंगे लाइव खत्म कर दूंगी मैं। अंबिका जी हम ये सोच रहा थी कि आईफोन वॉच है, कौन सा वार है आज, मंगलवार मंगलवार कहीं ना लाइव एल जाओ तो कहू, आई तो ना ही बज गए चलो है, बजरंगी का वार है आज, सच्चे मन से पूजा कर लो उसका बेड़ा पार, इनको अपना गाना रास नहीं आ रहा है लेकिन इसके अलावा सारा गाना आ रहा है, बजरंगी का वार है। आप लोग रा से कोई बताइए, कोई भी नहीं चाहता है कि रवि जीते, इसका मतलब आप लोग गाना नहीं लिख रहे रा से, तो मैं सोच रही हूँ मंगलवार को ये किसी दिन हफ्ते में ऐसे एक दिन अंताक्षरी खेल लिया कर, किसी दिन ऐसा होगा कि आप लोग को कनेक्ट करके आप लोग से खेलेंगे अंताक्षरी। मनोहर जी जुड़े हुए, मनोहर जी आपको रा से कोई गाना आता हो तो बताइएगा, मनोहर जी के बहुत गीत आवे छन, मनोहर जी जल्दी गीत लिखियो पर, मनोहर झा जी हाँ सब गोटा के गीत अबे है लेकिन हमरा बुझल है कि जब अंताक्षरी खेलाय छे लोग तो सब भूल जाए छे, तो जल्दी से अहाँ पर रह सको लिख कोनो गीत लिखियो, पप्पू झा जी ने कह दिया दीदी आप जीत गए, ठीक है मैं जीत गए, नामे छैन तकी रह सक, तो रवि से कोनो गान गीत नहीं छे ना, रवि जी रह सा हार जेथिन तो केहन लगते बताओ, सचिदानंद चौधरी जी अपना पता बताइए, वाह ये तो रॉ से नहीं हुआ, देखो ये गाना रॉ से नहीं हुआ, ये जो भी गाना है वो रॉ से तो नहीं, अपना पता बताइए ये रॉ से नहीं होता, ये रॉ से हुआ, अपना 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 पता बताइए ऐसा कुछ इसका होगा, रॉ से ऐसे शुरू कर सकते हैं, दीदी अभी कितना देर चलेगा बस खत्म, हार गए कि नहीं, हार गए लाइव खत्म, रुक जा रात बता दिए, ये तो अंबिका जी ने बता दिया, आता तो गा दो नहीं तो हार, ये नहीं आता, माफी चाहूंगा ये गाना नहीं आता, मैं जीत गई, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बस दो लाइन आती, दो लाइन में अंताक्षरी थोड़ी चलेगा, हेलो नाइस मृत्युंजय जी, तेरे लिए
नहीं उसमें गलती होती रहने दे अच्छा रास में गा देती हूँ मैं जीत जाती हूँ अब रहने दे बोल दिया तो अब नहीं गा रहा मैं छोड़ रास चल कहने कहीं से रास हम गायब रह ची बजरंग बली के दोनों मिलकर गायब दिए ट्रैक पे बिल्कुल बिल्कुल चलो हम तो कह देती हूँ हर गेल के नहीं हमरा कोनो इनाम देती और जो भी अच्छा मैं आपको बताता हूँ जो जब भी अंताक्षरी होगी और जो हारेगा उसको जीतने वाले को एक इनाम दिया देना पड़ेगा और वो इनाम का फोटो खींच के इस पेज पे डाला जाएगा कि इन्होंने ये इनाम दिया है तो आप ये क्या तो वो इनको दिया जाएगा वो कल या परसों जब भी तक वो इनाम आएगा चलिए ठीक है आप तो खत्म ही करते हैं अंताक्षरी को और एक गाना गा के लाइव खत्म करते हैं रास जो जी इन्होंने रास नहीं गाया तो रास तो मुझे कुछ गाना पड़ेगा राम स्वयं स्थापित केलन से रामेश्वर नाथ से रामेश्वर नाथ तीनों लोग भेद विचार तीनों लोग भेद विचार चलो बजरंग बली जी के दिल छेड़ एक बार बजरंग बली जी के गीत अहा सब जाने लाइव के अंत करे छी बजरंग बली जी के गीत से और ये हमरा इनाम देथिन कैला कि हम जीतलिए और अगर ये हमरा किछ इनाम देलखिन तो हम जरूर अहा सब के देखायब और कोशिश करब जे एक दिन फॉर्मल लाइफ से हट के किछ लाइव आ जाओ तो एना ही चलते आगू भ सके आगे अहू सबके शामिल करब एहन किछ व्यवस्था हेतु तो अहू सबके लेब लाइव में पप्पू झा जी नहीं इनको आया ही नहीं क्योंकि 130 लेकिन अभी मुझे एक ही लाइन याद है और पापा ने भी बताया था जैसे एक गाना शायद पापा ने भी बताया था रुक जाने नहीं तू कहीं हार गए राहों में मिलेंगे कांटे हजार के इसके बाद लिरिक्स नहीं याद है तो थोड़ा अगर ये सुनाएंगे माफी चाहूंगा आपसे अगर ये सुनाते भी कुछ तो देख के सुनाते तो ये नकल कर लेते सेलेक्टर झा जी अमर पीसा जी जुड़ गए थे ना बहुत निक लागत स्वागत है यार प्रणाम है कहां के लेकिन अंत में जुड़ो लेकिन आ के निक लागत जे आप गीत गेबे त हमरा सब के गांव में जे 5 बजे वाला बॉस होय छे ओय में इहे गीत बजत रहे छे यहाँ पीसा जी छी तो अहाँ के पूरा पूरा याद है जे वो 5 बजे वाला बॉस में कौन गीत बजे छे विद्या बॉस जे छे हर सुबह से क्यों गोटा छी तो या कोनो गांव में विद्या बॉस जाए छे तो एक बेर बताएब जरूर गांव के याद आ गए